हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी फ्री लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 2020 के बारे में। साथ ही हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है, 10वीं वालों के लिए इसमें क्या प्रावधान है, साथ ही 12वीं में जो बच्चे 75% या 85%, किस पर ये लैपटॉप दिया जाएगा, जनरल ओबीसी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, एससी एसटी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया है, साथ ही इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, हाउ टू अप्लाई। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एमपी में फ्री लैपटॉप स्कीम काफ़ी समय से चल रही है 12th के स्टूडेंट के लिए, लेकिन फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ अपडेट आए हैं कि 2019 में छात्रों को इसका लाभ नहीं मिल पाया था। अब वापस राज्य में शिवराज सरकार के आने से इस स्कीम को फिर से प्रारंभ कर दिया गया है। इसकी जानकारी स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के मेधावी छात्रों को लैपटॉप प्रदान करने की योजना पुनः प्रारंभ की जा रही है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप क्रय करने के लिए 25,000 के प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या फ़ायदा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें फ़ायदा ये होने वाला है कि लैपटॉप मिलने से बच्चों की पढ़ाई में मदद मिलेगी, पहला है, और प्रत्येक जो विद्यार्थी अपने घर से भी पढ़ सकेगा और थोड़ा अपने कोर्स के आगे भी पढ़ सकता है। अगला बेनिफिट ये होगा कि 25,000 की सहायता जो सरकार प्राप्त कर रही है, उससे गरीब वर्ग के बच्चे भी लैपटॉप आसानी से खरीद सकेंगे। और फ्रेंड्स, बात करें अगर इसमें, तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वालों के लिए 75% पर यह लैपटॉप की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसमें सरकार 25,000 का योगदान देगी। और फ्रेंड्स, बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया इसका होने वाला है। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्राइटेरिया है कि छात्र का जो छात्र आवेदन करे वो मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी हो, और फ्रेंड्स जो उसने जो 12th पास की है वो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड से की होनी चाहिए, और छात्र को मुफ्त लैपटॉप प्राप्त करने के लिए 12वीं में कम से कम 85% अंक पास होना चाहिए। ये जनरल और ओबीसी वालों के लिए है, ये ऐसा इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन लिखा है। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी तो उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि सर मेरे इतने परसेंट है, मेरे इतने परसेंट है, मैं जनरल का हूँ, ओबीसी का हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये क्लियर हो गया है कि जनरल ओबीसी के लिए 85% आपके होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए, जबकि एससी एसटी के लिए ये क्राइटेरिया 75% और उससे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्लियर हो गया है। अब बात करें कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ खास नहीं, आपके जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वही इसमें लगेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगेगी, आपका राशन कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा, मूल निवासी लगेगा जो निवास प्रमाण पत्र है आसानी से बन जाता है, और साथ ही 12वीं में आप पास हुए हैं तो उसका आपकी मार्कशीट की आप ऑनलाइन कॉपी लगा सकते हैं, आपकी जो कॉपी आ जाए तब तक तो वो भी आप लगा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसके लिए आवेदन कैसे करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको मध्य प्रदेश सरकार के जो शिक्षा पोर्टल है उस पर आपको लॉगिन करना होगा। आप मोबाइल से या आपके डेस्कटॉप लैपटॉप से या एमपी ऑनलाइन से भी इसमें करवा सकते हैं। आपका ओपन हो जाए तो आपको उस पर लैपटॉप ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है, देन पात्रता के लिए जो विकल्प है उस पर आपको क्लिक कर देना है जो भी नया पेज खुलेगा। फ्रेंड्स, उसमें फिर आपको इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा, पात्रता जानने के लिए विकल्प की आपको क्या क्या लगेगा, तो इस टाइप से आपको क्लिक करना है। देन जो भी डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी है वो भी आपको इसको फिल करना है, जैसे कि आपका 12th का नंबर डालना है तो ऑटोमेटिक आपका पूरा डाटा वहाँ पर आ जाएगा। देन आपको आवेदन फॉर्म भरकर फिल करना है, सबमिट कर देना है, उसका एक आपके पास प्रिंटआउट निकाल के रख लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट्स के लिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए इस फॉर्म को फिल करने पर, इस योजना का लाभ लेने पर, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ साइट बताई हैं और सहायता हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, तो उस पर आप कॉल करके आपकी जो भी समस्या उसका निराकरण पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि सभी आपके दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल नॉलेज पॉइंट पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि ऐसे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।